गोटे सहाड़ा वृक्षर महत्व कौन भूमिका कौन से सहाड़ा वृक्षटी केते उत्तम केते उत्कृष्ट केते लाभदायक केते हितकर केते श्रेष्ठ परी केतेक गुण विषय आज आम जानवा केतेक पौराणिक कथा अनुसार बा शास्त्र अनुसार ए वृक्ष द्वारा मनुष्य जहाँ इच्छा कामना करे बा जहाँ मनस्कामना करे ताहा वास्तव में सफल हो जाए। ए सहाड़ा वृक्षर महनीयता उपरे गोटे पौराणिक गप अछि भगवान शिव वृषभ और पार्वती को नहीं जहाँ आम आउ किछि समय पर पढ़ा। ए वृक्षटी देखा बहुत सुंदर और आकर्षणीय केते लोक मानक अगणारे बा दांडरे और खळारे वृक्षटी शोभा पाए। साहाड़ा वृक्षर दांत काठी व्यवहार कले दांत खूब सुंदर और बलिष्ठ रहे ओ साहाड़ा वृक्षर पत्र को सुखाई शस्य बीज मानक मध्यरे रखिले सेथिरे पोको लागंती नाही। तेबे आमर मेन स्टोरी स्टार्ट हेबा पूर्वरु आउ गोटे गपटी अछि चालंतु देखिनेबा। धृतराष्ट्र थिले कुरु राजवंशर राजकुमार से देखिबा को सुस्थ सुंदर और बलिष्ठ हेले चक्षुहीन व्यक्ति लालन पालन करुथिले पितामह भीष्म ओ राजमाता सत्यवती। कालक्रमे धृतराष्ट्र युवक हेले ओ विवाह प्रस्ताव मध्य आसिला किंतु तांक सह गोटे विचित्र जनक घटना होतिला से जेऊ झियो सहित विवाह करंती सेही झियोटी मरि जाए। एमिति अनेक राजकुमारीक मृत्यु घटिबारु माता सत्यवती एहार कारण अनुसंधान करी जानिले जे कृषिका नक्षत्र राशि अमावास्या तिथि जन्मलाभ करथिबारु धृतराष्ट्र एक ब्रह्म राक्षस। ए विषयटी धृतराष्ट्रंक पिता वेदव्यास जाणी चिंतित होई पड़िछंती। घटनार ठीक किछि दिन पर गांधार सेन व्यासदेवंकु डकाइथिले तांको राज्यंकु जेऊ राजकुमारंक सहित गांधारींक विवाह प्रस्ताव पड़े से मृत्युवरण करंती। पचारिले गांधार सेन वेदव्यासंकु तांको झियो सहित एमिति कौन असुविधा होइछि बोली। वेदव्यास अनुसंधान करि जाणिले जे गांधारी ब्रह्म राक्षसी से जहाकु बाहा देबे तार एपरी दशा घटिबो। यह शुणी गांधार सेन खूब कष्ट ओ मूर्छित होती। व्यासदेव तांको आश्वासन दे बुझाई साहाड़ा वृक्षर महात्म्य विषय वर्णना करिछंती। परे से ही महिमामय साहाड़ा वृक्ष सहित गांधारी विवाह पर धृतराष्ट्र को पुनर्बार विवाह करिबारु तांको दाम्पत्य जीवन सुख और सुस्थरे चली पारिछ। धृतराष्ट्र पिता व्यासदेव और गांधारी पिता गांधार सेनों मध्य कथबार्ता चली जे सकल शक्तिर आधार जहाँ कृपा जो ए संसार चली स्वयं सूर्यदेवं रथर चक साहाड़ा वृक्षर काठर तैयारी। गांधार सेन मोर राजप्रसाद मझे गोटे साहाड़ा वृक्ष अच्छे जहाँ मु नित्यदिन पूजा करुच्छी ओ मोर कोटि कोटि पाप क्षय हो। व्यासदेव एक ठीक जे शास्त्र अनुसार साहाड़ा वृक्षर महत्व आहुरी अनेक रही जार गोटे गपटीए शुण मुझे। ज्येष्ठमास कृष्णपक्ष दशमी तिथि गुरुवार दिन भगवान शिव वृषभ पीठी बसी आनंदर सहित बाहरती भ्रमण पर पृथ्वी पृष्ठ आड़ को आकाश मार्ग ओ भगवान छाती और बेकरे साप गुड़े हो रही था। यह सहित बाजु थाए डंबरूर शब्द अनेक तीर्थ बुली भगवान शिव पहुँचती बैतरणी नदी कूल ओ सेठे बुलिबा समय रे बलद देखिछि तांको बाम पार्श्वरे गोटे साहाड़ा वृक्ष अछि जार पत्र आनी तार मथारे घेनी से रखिला। ईश्वर बलद को पचारिले जे साहाड़ा वृक्ष मथारे रखिले तोर कौन लाभ हेबो। वृषभ कहिला जदी तुम्हें गला बेले तुम बाम पार्श्वरे गोटे साहाड़ा वृक्ष अछि आ तार गोटे पत्र को आनी तुम्हें मथारे रखुछ तेबे तुम्बकु सेही दिन सुस्वादु खाद्य मिलिबो। खाली एतिके नुह ता सहित डाहाण पार्श्वर जदि बरकोली गछ अछि तार गोटे पत्र मथारे घेनी रखिले तुम्हार समस्त शत्रु क्षय हेबे। आगरे स्वतधूप देखि मथारे घेनी रखिले तुम्हार अनेक दोष क्षय हेबो। जदि तुम्हें गला बेले तुलसी वृक्ष को पछपटे बुली देखिबो ओ तार झड़ीथिबा पत्र को मथारे घेनी रखिबो तेबे जानिकि हेउ बा अजानतरे हेउ तुम्हें जेते पाप करथिबो संगे संगे ताहा क्षय हेजिबो। वृषभर सबु कथा शुणे भगवान शिव कहिले साहाड़ा पत्र मथार रखिले सुस्वादु खाद्य मिलिबो। आज परीक्षा करि जानिबा वृषभ को आज भल खाद्य मिलुछि कि नाही। भगवान शिव वृषभंकु धरी 14 भुवन बुलिले किंतु ताकु टिक्के मध्य पानी घास बा कोनोसी प्रकार खाद्य देले नाही। वृषभ को भोक उपवास रखी ता सहित आकाश बण जंगल पर्वत सबु स्थान मन भरी बुलिले। दिन सारा बुली सूर्यास्त समय रे भगवान शिव कपिलास रे जाय पहुँचिले।
एपटे पार्वती बहु सुस्वादु खाद्य परसि रखिछंती ओ स्वामीक बाट चाहि दुखित ओ विरक्त होई जगी बसिछंती। भगवान शिवंक बहु विलंब जोगु देवी पार्वती को बहुत भोक हेलाणी ओ अन्य नियम अनुसार स्वामी न खाइबा पूर्वरु स्त्री खाइबा उचित नुहे। जेतेबेले अधिक विलंब होई आसिला सेतेबेले देवी पार्वती भोजन आरंभ करिबे बोली भाबिले। सुना थाली रे पिठा खीरी छेना राबिड़ी सजाड़ी खाइबा को बसिले ओ अन्न पाणी देवता को समर्पण करी खाइबा आरंभ कले। दुई तीन गुंडा देइछंते कि नाही सुभिला तांको ईश्वरंक डंबरूर शब्द। देवी पार्वती व्यस्त हो भाबिले मु एबे कौन करबी ईश्वर आसी पहुँचिलेणी। लाजरे भोजन छाड़ी शीघ्र उठिले ओ जहाँ भोजन सब बाढ़िथिले ताहा नै बळदर कुंडरे बा गुआणीरे नै लुचाइले। शिवशंकर जेमिति न जानिबे तांको आगरु मु खाउछि बोली ओ देवी पार्वती धुआधुई होई तांको स्वामी पाखकु गले। भगवान शिव आसु आसु प्रथमे नंदी को डकाइले ओ ए वृषभ को नै गुआणी रे बांधिबा को आदेश देले। नंदी ईश्वर को आदेश को मानि वृषभ को गुआणी रे खंबरे नै बांधिला। आहुरी ईश्वर नंदी को कहिले वृषभ को टिके मध्ये सुकिला घास नडा पाणी अन्न आहार किछि मध्ये देबु नै। ईश्वर को आज्ञा पाई नंदी वृषभ को गुआणी रे खंबरे दृढ़ करि बांधिला ओ कबाट मध्ये बंद करि वृषभ को भितरे रखि देला। वृषभ मन मन भाविला आज मते ईश्वर परीक्षा करी बहु कष्ट देले। हे सूर्यदेव हे कर्तार नाथ मोर ए दशापाई आपण मध्य टिके हेले विचार कले नाही। मु ईश्वर को कहितबा कथा जदि मिछ होइथिबो तेबे सूर्यदेव को विश्वास करी आउ किए जुग जुग तांको पूजा करिवो। ओ शेषरे मन दुख करी देखिला काले से कुंडरे किछि बासी खडा नडा थिबो परा। सेठी जो जिनिस देखिला से पूरा खुशी कुंड भितर विभिन्न सुस्वादु खाद्य भर्ती करी रखा होइथिला। आनंदरे भोजन कला वृषभ ओ स्मरण कला सूर्यदेव को खुशी रे खाई सारिबा पर कहिला हे ज्ञानी लोक माने तुम्हें नित्यदिन सूर्यदेव को पूजा कर। ईश्वर जो परीक्षा करथिले सेथिरो मु बहु खुशी रे पार हो जाइछि। व्यासदेव कहउछंती गांधार सेन को देखिल किपर साहाड़ा वृक्ष पत्र मुंडरे घेनी रखिले सुस्वादु खाद्य मिले। स्वादिष्ट और सुस्वादु खाद्य खाई वृषभ आत्मतृप्ति लाभ करिछि। शोष को पणा और भोक को अमृत जोगाड़ पाइछि। आराम रे ओ शांति रे वृषभ सोइछि पेटे खाइकी। जेतेबेले रात्रि समय हला ईश्वर विकल रे कबाट खोली देखिले ओ हसी हसी कहिले तते केउं फल मिलिला से साहाड़ा पत्र को मुंडरे घेनी। वृषभ कहिला शास्त्र रे जहाँ लेखा अछि ताहा मिछ नुहे विश्वास जदि अछि तुम भगवान को पाखरे तबे तुम्हें सुखरे पार होई पारिबो। ईश्वर एक कथा सुनी कहिले तू आज जेपरी खाद्य पाइलु सेपरी खाद्य मिलु ए संसार जनंकु। सत कथा न जानी शिव गोटे बर देले। वृषभ कहिला हे देव तुम्हें खाद्य न पाऊ जेतेक स्वादिष्ट खाद्य थिला से सबु खाद्य पाई मु आग खाई सारी। जदि आपण को विश्वास होउनी तेबे कुंड को टिके देखंतु सेठु किबळी विभिन्न भल खाद्यर बासना हेउछि। ए सबु देखि ईश्वर भांगी पड़िले ओ आश्चर्य मध्य होई गले ओ पार्वती को पचारिले मु जो परीक्षा करथिले से कथा जानी मध्य मो पई जो खाद्य होइथिला वृषभ को किए नै सेगुडी को देला। पार्वती ईश्वर को कहिले तुम्भर आसीबार विलंब देखि मु सबु खाद्य परसि खाइबा को बसिली ओ दुई तीन गुंडा खाद्य नेइछि कि नै डंबर रो शब्द सुभिला। ईश्वर आसीगले बोले काले तुम्हें क्रोध करिबो तुम्हें न खाउनु मु खाइली बोली तेणु मु व्यस्त होई उठी पड़िली ओ सबु खाद्य वृषभर गुआणे नै पकाइली। शेषरे ईश्वर हसिले एक कथा शुणी ओ कहिले एही भली ही भगवान भक्तर मन कथा जानी ओ विश्वास जानी ताको पूरण करंती।